आज एनएम कॉलेज सिजवा के प्रिंसिपल हैं, इनकी कर्तव्य परायणता और लगन को देखते हुए झारखंड सरकार ने इन्हें जैक बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। आज हम देखते हैं जो भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, कभी कभी कुछ त्रुटि के कारण जैक बोर्ड में उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबों को ऐसे छात्र जो मैट्रिक या इंटर में पढ़ रहे हैं उनको ये जानकारी देता हूं कि अगर जैक बोर्ड में किसी भी प्रकार की आपकी असुविधा हो तो इन डॉक्टर अरुण कुमार माथोस का मिल करके अपने समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। ये अपने स्वभाव से ही प्रभाव कुशल मृदु स्वभाव के हेड़ेमुड़ी निवासी डॉक्टर अरुण कुमार माथो जैक बोर्ड के सदस्य हैं। किसी भी परिस्थिति में आप लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा ये तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। साधु फोन कर सकते हैं। और इसी बीच सेकंड फाइनल में रोहित स्पोर्टिंग दुर्ग्राम और साथी वायल चाकी जब बोल के दें चलता हुआ यहाँ दोनों बजे में बराबरी पर इस कड़े मतलब में कोई भी नहीं अब तक विपक्ष टीम पर क्रोध टाइम नहीं पाई है। अब देखना यह है अभी क्या जा रहा है। ऑफसाइड राउंड खेल चो और से लगा पे फोन लगाना ना फिर के जाने वाले खिलाड़ी साकी जब बोल के बहुत प्रतिदान में बहुत से लड़के बाद में चढ़ाते हुए देखा जाए अच्छा मूव वाले प्रयास हो उधर से गिर पड़े और फिर पे पास करते हुए फिर साक्षी जब हम जगह पर हम सूखे और ये फॉल एक बेहतरीन मौका मिला है। रॉयल स्टूडेंट शांति भाई तो अभी अभी आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं जनसेवा है लक्ष्य के संस्थापक सम्मानीय हरलाल माथो ने आकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके आशीर्वचन दिए और हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजन को आगे की ओर निरंतर बनाए रखने के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में 5000 रुपये की अनमोल राशि भेंट कर हमें कृतार्थ किया। इसके लिए हमारे झारखंड एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया था लेकिन रिश्ते देता हम को टिकट तक हेड के जरिए पास पा देते हुए लेकिन जो फिर गए साक्षी जब से पुलिस से छीनते हुए पुनः व्यक्तिगत सूचना नागेश्वर महतो भुसुड़ी आप जहाँ कहीं भी हैं आप पंडाल में आइए आपका मित्र आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस फिर के आगे बढ़ते रोहित स्पोर्टिंग एक शानदार तक इसे गेंद कमना करते हुए चूंकि ये सेकंड से फल मैच है जो मैदान के पूर्वी छोर पर लाल रंग के जर्सी में हुए हैं रोहित स्पोर्टिंग जबकि पश्चिम छोर पर हल्के सफेद नीले के जर्सी में हुए हैं शांति हुए साक्षी जमशेदपुर। देखा जाए एक फाउल किक एक बेहतरीन किक का चांस मिला है साक्षी जमशेदपुर की ओर से मैक्सिमम खिलाड़ी गोल पश्चिम पर जाते हुए 10:02 जबरदस्त तरीके से ये दूसरा सेमीफाइनल मैच रोहित स्पोर्टिंग तुलग्राम भारत से शांति हुए साक्षी जमशेदपुर के बीच देख रहे हैं। सफेद और नीले रंग की जर्सी में शांति बोल साक्षी जमशेदपुर की टीम और उधर लाल और सफेद रंग की पट्टी लिए जर्सी में रोहित स्पोर्टिंग तुलग्राम की टीम। फिलहाल दोनों ही टीम गोल रहित 0-0 की बराबरी पर चल रही है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ चूंकि वो जानते हैं 40,000 की जो राशि है दोनों ही टीमों ने सुरक्षित कर लिया है और 80,000 की लड़ाई के लिए ये भिड़े हैं। अब देखा जाए कौन सी टीम
अगले दौर के लिए गेम सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करती है, जिसकी भिड़ंत डिजिटल सेवा के साथ होने वाला है। तो डिजिटल सेवा के साथ भिड़ने के लिए दोनों ही टीम बेताब तो है, अब कौन सी टीम